हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. दिस इज धीरेन सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी. लास्ट वीडियो में आपका कुछ ये वाला आपका छूट गया था टॉपिक. तो सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस दिस टॉपिक. तो फर्स्ट, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी इज योर सर्वर. सर्वर इज ए प्रोग्राम that runs on a machine and is meant to provide services to the machine or clients. सर्वर क्या होता है आपका? सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है जिसपे हम सारा अपना डेटा, सॉफ्टवेयर, सारी चीजें हमारी क्या होती है उसमें स्टोर करते हैं. क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट इज ए कंप्यूटर सिस्टम विच यूजेज ए नेटवर्क टू एक्सेस ए रिमोट सर्विस फ्रॉम द सर्वर. It carries out the users or client request to the server and display the result sent by the server. अब दोनों का मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ. क्लाइंट और सर्वर का क्या होता है? क्लाइंट और सर्वर में जैसे अपने कंप्यूटर लैब में क्या है, आप जब कंप्यूटर लैब में आप जाते हो तो कंप्यूटर लैब में आप देखते हो कि आप तीन हम लोगों ने क्या हुआ है, तीन सर्वर बनाए हुए हैं मेन कंप्यूटर्स, और बाकी उस मेन कंप्यूटर से सारे आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. मेन कंप्यूटर को हम सर्वर बोलेंगे क्योंकि उसमें हमने सारा डेटा हमने स्टोर किया हुआ है, सॉफ्टवेयर स्टोर किया हुआ है, और बाकी कंप्यूटर जो उससे कनेक्टेड है दैट आर द क्लाइंट्स. अगर क्लाइंट को किसी जरूरत, किसी चीज की जरूरत होती है तो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से एंड सर्वर विल रिस्पॉन्स. एंड ऑल्सो आई गिव वन मोर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर. स्टूडेंट, जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो रिजर्वेशन कराने टिकट के लिए, किसी ट्रेन में मान लीजिए आपको जाना है और आपको मान लीजिए किसी डेट के लिए रिजर्वेशन कराना है, तो आप जाते हो स्टेशन, जाओगे आप फॉर्म को फिल करोगे, और फॉर्म को फिल करने के बाद आप क्या करोगे, उस फॉर्म को जो क्लर्क बैठा रहता है विंडो में उसको आप दोगे. तो वो क्या, आपने देखा होगा कि वो क्लर्क क्या कर रहता है, जो आपने अपने फॉर्म में इंफॉर्मेशन को फिल करी हुई है वो अपने कंप्यूटर में डालता है, और वो जैसे ही उसने अपने कंप्यूटर में डाला तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाती है, सर्वर में, रेलवे का जो मेन सर्वर है जहाँ सारा डेटा हमारा क्या होता है स्टोर्ड होता है. तो अगर आप जिस डेट के लिए आप कहीं जाना चाह रहे हो उस डेट की अगर सीट खाली होगी ट्रेन में तो सर्वर क्या कर देगा, रिस्पॉन्ड कर देगा उस क्लर्क के कंप्यूटर में, ठीक है, आपके पास उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई आपका इस डेट का टिकट कंफर्म है या वेटिंग है. तो उस क्लर्क के पास जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो कंप्यूटर हमारा वर्क कर रहा है एज ए क्लाइंट. उसके अंदर क्लाइंट कोई एक आप बोल नहीं सकते, क्लाइंट एक बोल सकते हैं आप प्रोग्राम जो उसके कंप्यूटर में क्या हो रहा है आपका रन कर रहा है. तो सर्वर हमारा मेन कंप्यूटर है, ठीक है, मेन कंप्यूटर में सारा डेटा स्टोर्ड है, तो वो सर्वर क्या करेगा, हमको रिस्पॉन्स करेगा. सो स्टूडेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर क्लाइंट एंड सर्वर. नाउ वी कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक. योर नेक्स्ट टॉपिक इज वेब क्लाइंट. वेब क्लाइंट इज एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम्स. व्हाट आर दीज? दीज आर द ब्राउजर्स. ये ब्राउजर्स को आप यूज करते हो इंटरनेट को सर्च करने के लिए, कोई ना कोई ब्राउजर आप यूज करते हैं, चाहे क्रोम यूज करें, चाहे फायरफॉक्स यूज करें, कोई भी. तो दैट इज कॉल्ड द वेब क्लाइंट. वेब क्लाइंट आपके वेब ब्राउजर्स, जो भी आप ब्राउजर्स आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट में किसी चीज को सर्च करने के लिए, दैट आर कॉल्ड द वेब क्लाइंट. रनिंग ऑन ए लोकल डिवाइस. लोकल डिवाइस क्या हो सकती है आपकी, जैसे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप या अपने सेलफोन में आप चला रहे हैं. तो दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई ए वेब सर्वर. तो वेब सर्वर क्या होता है, जहाँ इंटरनेट का सारा डेटा हमारा स्टोर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द वेब सर्वर. तो वेब सर्वर जब आपने कोई रिक्वेस्ट करी किसी ब्राउजर के थ्रू, तो वेब सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स कर देगा. मान लीजिए आपने गूगल में कोई साइट सर्च करी, ठीक है, तो वो साइट आप किसी ब्राउजर के थ्रू ओपन करोगे गूगल को, और वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वेब सर्वर के पास. वेब सर्वर में सारा डेटा स्टोर्ड होता है, देन उसके बाद आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, आपकी डिस्प्ले होगी. नाउ स्टूडेंट, वी कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक. योर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट इज वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर इट इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थ्रू विच वन सर्चेज एंड इज एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब www, जो भी आपकी इंटरनेट की इंफॉर्मेशन है वो हमारी कहाँ स्टोर्ड है, www में.
www को भी आप बोल सकते हो, वेब सर्वर आप बोल सकते हो, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ स्टोर्ड होती है, आपकी www और वेब सर्वर, वेब ब्राउजर्स दीज आर द वेब वेब ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। वेब पेज एंड वेबसाइट मैंने आपका पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में कि वेबसाइट्स क्या होती हैं और वेब पेज क्या होती है। तो वेबसाइट क्या होती है मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ था, जैसे मान लीजिए बुक का एग्जांपल दिया हुआ था आपको कि जैसे मान लीजिए बुक होती है तो बुक में क्या होता है आपका कलेक्शन ऑफ मेनी पेजेस। सेम थिंग इन द केस ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट में भी आपके बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। तो इंडिविजुअल पेज होता है आपका किसी वेबसाइट का, दैट इज कॉल्ड द वेब पेज, एंड कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेज इज कॉल्ड द वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेज होते हैं, तो सिंगल पेज इज कॉल्ड द वेब पेज एंड कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेज इज कॉल्ड द वेबसाइट। नाउ डोमेन नेम, इट इज ए यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट जब बनाई जाती है तो उसका एक नेम दिया जाता है, नाम रखा जाता है, वो दैट नेम इज कॉल्ड द डोमेन नेम। दैट नेम विल बी यूनिक, हर वेबसाइट का नेम क्या होगा आपका, यूनिक होगा। कोई भी वेबसाइट आपकी ऐसी नहीं होगी जिसका नेम आपका रिपीट हो, सेम नेम की आपकी कोई भी वेबसाइट, आपकी दो वेबसाइट नहीं होंगी। तो किसी भी वेबसाइट का जो यूनिक नेम होता है, द यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट इज कॉल्ड द डोमेन नेम। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डिनोट्स द ग्लोबल एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब आप स्टूडेंट्स जब कोई चीज इंटरनेट में सर्च करते हैं, कोई पेज मान लीजिए आपने इंटरनेट में सर्च किया, तो हर पेज का इंटरनेट में क्या होगा आपका एक एड्रेस होता है। एड्रेस हमारा कहाँ, वर्ल्ड वाइड वेब में उसका एड्रेस होता है। आपने देखा होगा कोई भी चीज जब सर्च करते हैं तो एड्रेस बार में उसका एड्रेस आपका आ जाता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप सर्च करेंगे या कोई भी पेज सर्च करेंगे, किसी भी चीज को सर्च करेंगे, तो हर पेज का क्या होगा आपका एक एड्रेस होता है, दैट एड्रेस इज कॉल्ड द यूआरएल। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाउ स्टूडेंट्स, वेब पोर्टल, इट इज ए गेटवे टू ए वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज सच एज ईमेल, सर्च इंजन्स, फोरम्स, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। वेब पोर्टल का मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई साइट आपने ओपन करी, मान लीजिए गूगल की साइट आपने ओपन करी, तो गूगल की साइट में मान लीजिए नीचे आपने देखा कि नीचे लिखा हुआ है www.yahoo.com, और जब आप उसको क्लिक करते हैं, मान लीजिए वो लिंक दिया गया है, तो जब आपने उस क्लिक किया yahoo.com को, तो याहू की वेबसाइट आपकी क्या हो जाती है, आपकी ओपन हो जाती है। तो किसी पेज में अगर आपने किसी दूसरे पेज, किसी दूसरी साइट का आपने लिंक दिया हो गया, तो देन दैट इज कॉल्ड द वेब पोर्टल। ब्लॉग और वी ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है आपका, ए ब्लॉग इज ए फ्रीक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। अब ब्लॉग का एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एक अपने घर पे एक अपनी को एक पर्सनल डायरी आपने रखी हुई है, उस डायरी पे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप डे बाय डे उस पे आप लिखते हैं। तो सेम थिंग इन द केस ऑफ इंटरनेट, कुछ लोग ब्लॉग अपना लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपने देख, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज वगैरह आपको देखा होगा कि उसने अपने ब्लॉग में ये लिखा, क्या अमिताभ बच्चन ने आज अपने ब्लॉग में ये चीज लिखी। तो ब्लॉग क्या होती है, आपकी पर्सनल चीजें जो होती हैं लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपकी इंटरनेट में, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉग। ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉगर क्या होता है, जो ब्लॉग को लिखता है, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉगर। द ऑथर ऑफ ए ब्लॉग इज नोन एज ब्लॉगर, हु रेगुलरली राइट्स एंड अपडेट्स द ब्लॉग। ब्लॉगिंग, द एक्ट ऑफ राइटिंग ए ब्लॉग इज कॉल्ड द ब्लॉगिंग। सो स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू श्योरली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।